वेलकम टू गाइस माई न्यू ब्लॉग। दुआ करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल। आज का नैनीताल में ब्लॉग बनाएंगे। दोस्तों आज आप सामने मेरे पीछे देख सकते हो एक लकड़ी की पुलिया बनी हुई है। ये यहाँ के रहने वालों के लिए नीचे जाने के लिए बना रखी है, नीचे ऊपर जाने के लिए। बहुत प्यारी लग रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आपको दिखाते हैं नैनीताल। दोस्तों आप देख सकते हो ये पुलिया बना रखी है लकड़ियों की, कितनी प्यारी लग रही है। काफ़ी ऊंची है, इनके ऊपर नीचे जाने का ये रास्ता है। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये बैठे लंगूर, लंगूर के बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने स्वीट। आप देख रहे हो बहुत प्यारा मौसम है यहाँ का, ठंडा मौसम है। गाइस पेड़ पौधे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और काफी इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ। अभी आपको दिखाने लायक बहुत कुछ है ऊपर। आज हम बहुत ही प्यारी जगह पे जा रहे हैं, नैनीताल। गाइस आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है और नीचे ये घर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे घर। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों अभी हम रास्ते में हैं, अभी नैनीताल से काफ़ी पीछे हैं। दोस्तों ये देखो इस टाइम आप डेंजर जोन में हैं ये लिखा हुआ, और देखो कितनी ऊंची पहाड़ियां हैं और यहाँ काफ़ी खतरा रहता है बरसातों में, इसलिए इस जगह का नाम डेंजर जोन रखा हुआ है। और आप इधर देख सकते हो पहाड़ियाँ काफ़ी गहरी खाइयाँ हैं और इस जगह को डेंजर जोन कहा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ के लोग जो भी आ रहे हैं नैनीताल जा रहे हैं यहाँ पानी पी रहे हैं, पानी बहुत साफ है। और बाकी ये सवारी नैनीताल जा रही हैं, कुछ आ रही हैं और ऊपर से पानी भी गिर रहा है आप देख सकते हो, और बिल्कुल साफ पानी और ठंडा पानी है, बिल्कुल पीने लायक है, चिल्ड पानी। सभी लोग यहीं से पानी पीते हैं। दोस्तों दो चार दिन पहले यहाँ से पानी बहुत चला था, यहाँ से इतना मलबा गिरा था कि ये रास्ता बंद हो गया था, और ये जितना मलबा है ये रखा हुआ है जितना भी, और आगे खाली में सब गिरा दिया, ये रास्ता बंद हो गया था। गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है, काफ़ी गहरी खाई है और दूर से कितना प्यारा मौसम दिख रहा है। दोस्तों नैनीताल में इस टाइम बरसात हो रही है, आगे थोड़ा हल्की हल्की ठंड और कोहरा होने लगा है। अभी आपको और आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का मौसम क्या है। दोस्तों अभी तो हम नैनीताल से काफ़ी पीछे हैं, अभी बरसात बहुत हो रही है, इस टाइम काफ़ी बरसात हो रही है, हमने यहाँ बरसात के कारण रुकना पड़ रहा है और आगे बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। हम मोटरसाइकिल से हैं इसलिए हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर बैठते हैं होटल पे, फिर आगे चलते हैं। गाइस आप देख सकते हो ये कितना कोहरा है और इधर बिल्कुल साफ मौसम है। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे घर लग रहे हैं, कितनी पहाड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। एक हमारे ये नवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं फ़ोटो खींच दो। मैंने कहा फ़ोटो खींचने का टाइम नहीं है। और दोस्तों ये खाई बहुत, ये भी गहरी है, नीचे देखो दोस्तों ये कोहरा है। अब ये मत सोचना कि धुआं है, ये धुआं नहीं कोहरा है, ये मत कहीं सोचना कि आग लगी है। अभी पीछे से आ रहे हैं, इतनी ठंड है। दोस्तों इधर देखो गाड़ी जा रही है, अभी हम इसी रास्ते से आगे से जाएंगे। और पहाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है, वहाँ चले ना। दोस्तों ये देखो कितना प्यारा झरना है, बहुत प्यारा, कितना प्यारा लग रहा है। हेलो गाइस, गाइस इस टाइम मैं वुडलैंड वाटर पुल पे आ चुका हूँ, अभी आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। गाइस यहाँ से टिकट ली जाती है, 50 रुपये की टिकट है, और ये यहाँ के नियम लिखे हुए हैं, और ये वुडलैंड वाटर पार्क। अब आपको अंदर लेके चलते हैं। गाइस ये देखो आप, इसमें मच्छी हैं, एक तक बना रखा है इन्होंने मच्छी वाला, और ऊपर का नज़ारा देखो आप। गाइस यहाँ 40 साल से ऊपर जिनकी एज है यहाँ फ्री है उनकी टिकट, उन्हें खाली आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। ये पत्थर की मूर्ति जानवरों की बनी हुई है, यहाँ इन्हें छूना मना है। और आपको आगे पीछे का नज़ारा दिखाते हैं, कितनी प्यारी जगह लग रही है। गाइस यहाँ से देख सकते हैं आप,
पानी चलते हुए कितना प्यारा लग रहा है और आवाज़ कितनी पानी की आ रही है। चलो आपको और ऊपर लेके चलते हैं गाइस। एक यहाँ पर लेके चलते हैं, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। आप देख सकते हो कितना प्यारा झरना है, कितना पानी प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी देखने में मज़ा आ रहा है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा, झरना चल रहा है। ये वुडलैंड वाटर स्कूल में हम और यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देखने के लिए। और आप देख सकते हो झरना कितना प्यारा है, कितना ठंडा पानी है, बिल्कुल बर्फ़ जैसा पानी है, बहुत गाइस इस झरने में आके बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इधर। आप देख सकते हो पीछे मेरे यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो झरना चलता हुआ कितना प्यारा लग रहा है और कितना अच्छा, पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। गाइस आप देख सकते हो ये बहुत पहले की बस यहाँ पड़ी है, ऊपर से गिर गई थी और काफ़ी लोग इसमें घायल हुए होंगे। और ऐसे देखने से लग रहा है जैसे बहुत टाइम हो गया। और ये नाला है, नाले का पानी बरसातों में चलता है, देखने से तो पता लग रहा है लोगों को काफ़ी चोटें लगी होंगी। गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। झरना बहुत प्यारा, बहुत इंजॉय करा। आप भी यहाँ जब भी आओ नैनीताल में यहाँ ज़रूर घूमने आना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।